नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने देश भर में बीजेपी की हालत तो खराब की ही है, लेकिन खासकर यूपी में बीजेपी के खेमे में हलचल। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी है कि अपने ही नेताओं में उलझी हुई है और ये कथित लड़ाई किसी कार्यकर्ता या फिर नेताओं के बीच का नहीं, बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच की लड़ाई है। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को सीएम के पद से हटाने के लिए दिल्ली में कथित प्लान बनाया जा रहा है। केशव दिल्ली में आला नेताओं से मिल भी चुके हैं। ऐसी कई बातें कही जा रही हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहीं अब बीजेपी के अंदर राजनीतिक उठापटक के बीच यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का बयान आ गया है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी पार्टी के अंदर आपसी मतभेद पर सफाई देते हुए नजर आए हैं और कह दिया है कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने का अधिकार है, हम अनुशासन से आगे बढ़ रहे हैं, नतीजे हमारे उम्मीद के हिसाब से नहीं आए, हम खामियों पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी ने सीएम पद को लेकर भी बोला है, क्योंकि आपको पता है कि जब से यूपी के नतीजे आए हैं तब से योगी के खिलाफ माहौल बनने की खबरों को खूब हवा मिली है और यहां तक कहा जाने लगा है कि योगी के कुर्सी को भी खतरा है। भूपेंद्र चौधरी ने सीएम पद के बारे में बोलते हुए कहा कि सीएम बदलने की चर्चा गलत है। आपको बता दें कि इस घमासान की शुरुआत तब हुई थी जब केशव मौर्य ने कह दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और हमेशा इस बात को मैं मानता हूं। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश का समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे, सात कालिदास मां का दरबार। मैं अपने को माननीय तावड़े जी बैठे हैं, माननीय अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी है, राजनीति में तो हमारे किसान मोर्चा के आश्रय दल जी बैठे हैं, हमारे राजनीति मंत्री जी बैठे, सबके सामने कह मैं उस मंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह रहे हैं। केशव मौर्य के इसी बयान के बाद से यूपी बीजेपी के अंदर सार्वजनिक तौर पर घमासान शुरू हो गया, क्योंकि केशव के इस बयान को योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष माना जा रहा है, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच मतभेद की खबरों को खूब हवा मिली और दोनों ही नेताओं ने कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगातार समीक्षा बैठक चल रही है। यूपी में बीजेपी की कमजोर होती स्थिति को समझने की कोशिश की जा रही है। इसमें कई बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को लेकर कहा जा रहा है कि ये अफसर शाही से परेशान है। उन्होंने सीएम योगी से इस बारे में बात भी की है और योगी आदित्यनाथ भी लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं की सुन रहे हैं और उसका समाधान निकालने में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर बात चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि यूपी बीजेपी कई टुकड़ों में फिलहाल बटी हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी के चीफ भूपेंद्र चौधरी ने ये साफ कर दिया है कि सीएम पद को लेकर जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं वो गलत है, कोई सीएम नहीं बदल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि यूपी बीजेपी के अंदर का मनमुटाव आखिर कब तक खत्म होगा, और अगर ये खत्म नहीं हुआ तो बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं और ये उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई भी होगी।